हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले क्लास में हमने संवेग संरक्षण का नियम बता रहे थे, है ना। पेज नंबर 137 चल रहा था। पेज 137 में क्रियाकलाप 9.5 और 9.6 इसको हम बतला दिए थे, लेकिन फिर आज इसको और अच्छी तरह से बतला देते हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इसमें क्या था, 9.5 में एक क्रियाकलाप था, एक बड़े आकार का गुब्बारा बैलून लेंगे और इसमें पूरी तरह से हवा भरेंगे, इसके मुंह को धागे से बांध देंगे। इसको आप लोग कर सकते हैं। इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टेप की सहायता से एक स्ट्रॉ यानी कि प्लास्टिक की जो पत्ती डली होती है उसको लगा देंगे, है ना। स्ट्रॉ के बीच से एक धागे को पार करेंगे, ये जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ के बीच से एक धागा को पार कराएंगे जिसके दोनों सिरों को दीवार से लगा देंगे। गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को फिर खोल देंगे। यहाँ पे जो इसका मुंह बांधा हुआ है, इसमें हवा भर के धागा से इसको बांध दिया जाता है और फिर इसे बाद में इसको खोल देंगे, है ना। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुंह से बाहर की ओर निकलने लगेगी। स्ट्रोक की गति की दिशा का अवलोकन करेंगे हम लोग। हवा, है ना, हवा निकलने लगेगी, हवा रहेगी तो हमारा बैलून और उससे चिपका हुआ स्ट्रॉ विपरीत दिशा में जाने लगेगा। इसके विपरीत दिशा में स्ट्रॉ जाने रही हम देखेंगे कि जैसे गुब्बारे के मुंह पर बंधे हुए धागे को खोल देते हैं तो हवा बाहर निकलने लगेगी और स्ट्रॉ जो गुब्बारे में चिपका हुआ है उसकी गति की दिशा विपरीत जाने लगेगी, है ना। उसी तरह 9.6 में है कि कांच की एक परख नली लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, परख नली के मुंह पर एक स्टॉप कॉर्क लगाएंगे, परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा नीचा, थोड़ा सा चित्र के अनुसार देखिए क्षैतिज दिशा में इसे, है ना, लटकाएंगे। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित न हो जाए और कॉर्क बाहर न आ जाए। हम पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। यहां पर ऐसा क्या होता है जब हम बर्नर को गर्म करते हैं, है ना, जब हम बर्नर ऑन करते हैं तो अंदर पानी गर्म होने लगता है और पानी भाप बनने लगता है, पानी वाष्प बन जाती है तो कॉर्क विपरीत दिशा की ओर इसे जाने लगता है, क्योंकि वह पानी लिक्विड जो है वह गैस बन जाती है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है ना, उसकी अवस्था बदल जाती है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाती है और वाष्प को ज्यादा जगह चाहिए, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए और पानी धीरे धीरे और गर्म होने लगता है, लिक्विड कम होने लगता है और वेपर ज्यादा बनने लगता है, उसको ज्यादा जगह चाहिए, उसको फैल चाहिए और वह कॉर्क को धीरे धीरे बाहर की ओर धकेलने लगता है, है ना, बाहर की ओर इसको धकेलने लगता है। तो हम यही पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। जैसे ही अंदर भाप तेजी से बनने लगता है
भाप को जगह चाहिए, ये से ठेलने लगता है और ये बाहर की ओर निकलने लगता है। तो ये था हमारा क्रियाकलाप छोटा सा, 9.15 और 9.16। कॉर्क तथा प्रक्षेपित परख नली के वेगों में अंतर का भी अवलोकन करिए। अब है एग्जाम्पल, कुछ कुछ है ना, कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल से जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो है 9.6 एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, यहां पर हमारा क्या था, कॉर्क और परख नली ये दो ऑब्जेक्ट हो गया है ना, जैसे बैलून स्ट्रॉ उसी तरह कॉर्क और परख नली ये दो ऑब्जेक्ट हुए। अच्छा, अब इसी पर सवाल है 9.6 में, 2 केजी के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें, है ना। क्वेश्चन है कि 2 केजी के एक पिस्टल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है पिस्टल और दूसरा है गोली, ठीक है। तो पिस्टल का वेट है, मास है 2 केजी और गोली का है 20 ग्राम्स। गोली का द्रव्यमान उसको हम M1 और पिस्टल का द्रव्यमान को M2 लिखेंगे, मानेंगे, है ना। पिस्टल का द्रव्यमान M2 यानी कि 2 केजी और M1 20 ग्राम्स, 20 ग्राम को हमने चेंज किया है केजी में, है ना। जो बच्चे नहीं जान रहे समझ जाए, 20 ग्राम्स को हमने केजी में बदल दिया। केजी में बदलने पर कितना आया, 0.02 किलोग्राम। ओके, अब है कि गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का प्रारंभिक वेग U1 है तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग U2, क्रमशः शून्य नहीं दिया हुआ है, शून्य है। अब देखिए इसको हम बना रहे हैं। U1, U2, ये हमारा 0 है ना, प्रारंभिक वेग जो है वह 0 है, यहां पर क्लियर है। प्रारंभिक वेग U2 क्रमशः शून्य है और प्रारंभिक वेग U1 तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग, दोनों का प्रारंभिक वेग जो है वह 0 है, U1 U2 दोनों 0 है। तो गोली का अंतिम वेग V, V है अंतिम वेग है 150 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 मीटर, 150 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये हो गया V अंतिम वेग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गोली की दिशा बाएं से दाएं, गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक चिन्ह होगा, लेते हैं हम लोग, और बाएं से दाएं लेते हैं परिपाटी के अनुसार, तो धनात्मक चिन्ह ली गई है, और दाएं से बाएं जब जाती है तो उसको हम लोग ऋणात्मक मतलब मानते हैं, हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो यहां पर क्या है कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग V है। अब है गोली छूटने से पहले और हम देखेंगे गोली छूटने के बाद का समय। तो पहले देखेंगे गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का संवेग क्या है। तो गोली छूटने के पहले और गोली तथा पिस्टल का कुल समय, तो गोली का कितना है, 0.02 केजी और पिस्टल का है 2 केजी, है ना। पिस्टल का है, देखिए पिस्टल का है 2 केजी और गोली का है 0.02 केजी इंटू U1 क्या हो गया, 0
प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा टोटल 0। यानी कि गोली छूटने से पहले का कुल समय कितना हो गया 0। ठीक है, इसको समझ में आया। ये हो गया 2 पिस्तौल का मास और ये गोली का मास, है ना, इनटू यू प्रारंभिक वेग जो है 0। सॉल्व करने पर आया 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हुआ कुल संवेग गोली के पहले, छूटने के पहले। अब है गोली छूटने के बाद का कुल संवेग। यहाँ हो जाएगा छूटने के बाद का कुल संवेग क्या हो जाएगा, हमारा गोली का जोड़ पिस्तौल का। ठीक है, 0.02 गोली का है इनटू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 केजी इनटू वी वेग मीटर पर सेकेंड, जो हमें वी निकालना है ना, ये वी जो है सो कुल संवेग निकालना है गोली छूटने के बाद का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 0.02 केजी इनटू 150। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 केजी वी, है ना, इसको हम एक ही लाइन में से लिखेंगे प्लस 2 केजी इनटू वी। ये सूत्र हो गया अब जब पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है 3 प्लस 2 वी केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया गोली छूटने के बाद का संवेग। इसमें दोनों हम जोड़ते हैं और यहाँ पर v कितना रहता है 150 मीटर पर सेकेंड, इससे हम गुणा कर दिए। यहाँ पर क्या था 0 था, ठीक है, यहाँ प्रारंभिक वेग 0 रहने के कारण पूरा हमारा 0 आता है और यहाँ अंतिम वेग 150, यहाँ का वेग है 150 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने इससे मल्टीपल किया 3 प्लस 2 केजी वी एम एस वन, वी 3 प्लस 2 भी कॉमन कर लिए और केजी मीटर पर सेकेंड निकाले। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, गोली छूटने के पहले का संवेग बराबर गोली छूटने के बाद का संवेग, या गोली छूटने के बाद का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का कुल संवेग। ठीक है, तो गोली छूटने के बाद का कुल संवेग कितना आता है, ये देखिए 3 प्लस 2 वी, ठीक है, 3 प्लस 2 वी, ये है गोली छूटने के बाद का कुल संवेग। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुल संवेग है 3 प्लस 2 वी का संवेग और बराबर कितना है, ये 0, ये 0 है गोली छूटने के पहले का गोली और पिस्तौल का कुल संवेग। तो कितना था 0, 3 प्लस 2 वी इजकल टू 0। जब सॉल्व करते हैं तो आता है वी, वी इजकल टू 3 बाई 2 माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिखला रहा है, माइनस 1.5 दिखला रहा है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि पिस्तौल गोली के विपरीत दिशा में, पिस्तौल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित होती है। ये है गोली छूटने से पहले का स्थिति। अब गोली छूटने के बाद का स्थिति है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह दिखला रहा है कि पिस्तौल गोली के विपरीत दिशा में दाईं से
बाई ओर प्रतिक्षेपित होते हैं, दाई से बाई की ओर, है ना। देखिए प्रक्षेपण के पश्चात बाई की ओर प्रतिक्षेपित होती है ये गोली। पूरे बंदूक का पिस्तौल का है, पूरे पिस्तौल का है बास 2 kg, गोली का था 20 grams, और कितना वेग से था ये 150 m/s वेग से, है ना। ये तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ था, पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को चित्र में करके दिखलाया गया है। 2 kg का पिस्तौल है, ठीक है, 20 grams का बुलेट है गोली, और 150 m/s वेग से छोड़ी जा रही है ना, वेग से छोड़ी जा रही है। तो ऋणात्मक चिन्ह ये बतला रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यह बतला रहा है कि पिस्तौल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित होती है, जो कि यहाँ पर चित्र भी हमें क्लियर बतला रहा है, और कैलकुलेशन भी हमारा वेलोसिटी वेग बतला रहा है कि -1.5 m/s है। ठीक है, ये वाला मैथ समझ में आ गया होगा। हम लोग को समझना है सबसे पहले मास m1, दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, संरक्षण का जो नियम है MAVA/MV = -VV, ये फॉर्मूला है MAVA/MV = -VV। इस सूत्र पर हम इसको बनाते जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मान रखते हैं MA और MB, या MA M1 चाहे M2, है ना। गोली का द्रव्यमान, पिस्तल का द्रव्यमान, इसको M1 M2 भी लिख सकते हैं, MA और MB भी लिख सकते हैं, उसी तरह UA UB VA MB, ठीक है। तो गोली के छुट्टे के पहले हम U से डिनोट करेंगे प्रारंभिक वेग को, और गोली छुट्टे के बाद को V से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9.6 का सॉल्व। अब 9.7, 9.7 का क्वेश्चन है, 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की, 40 द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 m/s के क्षैतिज वेग से एक 3 kg द्रव्यमान वाले स्थिर गाड़ी पर कूदती है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में भी दो ऑब्जेक्ट था, पिस्तौल और गोली, उस है ना। अब यहां भी देखिए, 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की और 3 kg द्रव्यमान वाला एक स्थिर गाड़ी, वो 3 kg द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो, है ना, कोई भी असंतुलित फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो उस अवस्था में गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे लड़की का द्रव्यमान कितना है, फोर्टी केजी है द्रव्यमान, लड़की का द्रव्यमान, और 3 kg है द्रव्यमान गाड़ी का, 3 kg द्रव्यमान है गाड़ी का, और वेग 5 m/s वेग से कूदती है, 5 m/s वेग से कूदती है। यहां पर देखिए, है ना, 40 kg और कूदने का 5 m/s वेग से कूदती है, और किस पर कूद रही है, 3 kg द्रव्यमान वाले गाड़ी पर। तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ,
एक ऑब्जेक्ट हुआ लड़की 40 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ 3 केजी का गाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लड़की तथा गाड़ी का, लड़की के कूदने से पहले का संवेग m1 इंटू u1 है ना, इसको m1 मानते हैं और 3 केजी को m2। इसी तरह ये u1 और u2, जब कूदने से पहले का संवेग है तो हम u1 मानेंगे, u1 u2। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 40 केजी इंटू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस, यहाँ क्या हो गया, m1 इंटू u1 प्लस m2 u2। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, m1 हो गया 40 किलोग्राम लड़की का इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस 3 केजी किसका है, ये 3 केजी हो गया लकड़ी के गाड़ी का, लकड़ी का जो गाड़ी बना हुआ है वह 3 केजी, और इस पर कोई वेग नहीं, यहाँ पर है 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ हम फिर सॉल्व करेंगे, 40 केजी इंटू 5 को हम मल्टीपल करेंगे 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। माना कि लड़की की गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है ना, कूदने के पश्चात वेग v है, तो इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल समय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू वी, तो m1 है लड़की का द्रव्यमान, m1 है 40, m2 लकड़ी का जो गाड़ी है उसका हो गया 3 केजी इंटू वी मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 43 वी केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हमारा दोनों निकल गया है ना, एक कूदने से पहले का समय लड़की तथा गाड़ी का, लड़की तथा गाड़ी का कूदने से पहले का समय यहाँ पर 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ, और लड़की और गाड़ी के कूदने के बाद का संवेग, बस यही हम लोग को याद रखना है, पहले का संवेग निकालना है फिर बाद का संवेग निकालना है, और ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर करके हमको मैथ्स को बना देना है। तो ये पहले का 200 केजी मीटर पर सेकेंड और कूदने के बाद का 43 वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला को, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान होंगे, इसलिए अर्थात कुल संवेग समान होंगे अर्थात 43 V है ना, ये देखिए 43 V इजकल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वेग निकल गया कुल संवेग और ये कुल संवेग निकल गया। अब हम क्या करेंगे, V को सॉल्व, V निकाल रहे हैं, V इजकल टू 200/43 और सॉल्व करने पर आता है प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आया, 4.65 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, कूदने के बाद का संवेग बराबर कूदने के पहले का संवेग, तो कूदने के बाद का संवेग है 43 V इजिकल टू 200, V इजिकल टू 200/43 एंड प्लस पॉजिटिव 4.65 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकेंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। पूछा ना लड़की का क्या वेग होगा, क्वेश्चन पूछा है लड़की का क्या
क्या लड़की की वेग क्या होगा, है ना? प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, लड़की का वेग क्या है? गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर लड़की और गाड़ी, ये M1 ऑब्जेक्ट हुआ, ये M2 हुआ, ठीक है, और U1, U2 और V1, ये V1 आपका कूदने के बाद का वेलोसिटी वेग और कूदने के पहले का वेग U है, बस इसी को हमको याद रखना है। तो M1 M2 दिया हुआ है और U1 भी दिया हुआ है, U1 कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, ये 0। यदि यहाँ पर दिया रहता तो हम यहाँ पर लेकर के 3 kg से इसको मल्टीपल करते हैं, तो ये कुछ नहीं, इसलिए ये हो गया 0। और यहाँ पर गाड़ी पश्चात कूदने के पश्चात का जो सीन है उसमें हमें वी निकालना है, वेग निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद हम दोनों को बराबर करते हैं, एक कूदने से पहले का और कूदने के बाद के संवेग समान होते हैं, करके हम बराबर करके क्वेश्चन को मल्टीपल करके या डिवाइड कर जो करना तक करके हम आंसर को निकालते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमसे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज कमेंट कीजिएगा तो क्लियर लिखिएगा किस वीडियो का कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आया, या मैम कहाँ का और इस पेज का और अच्छा से समझा दीजिए, प्लीज आप लोग क्लियर भेजिएगा तो उसको फिर हम रिपीट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर हम और अच्छी तरह समझा देंगे। इसलिए कुछ सोचना नहीं है, जहां पर कंफ्यूजन लगे सिर्फ क्लियर कीजिएगा कि मैम इस वीडियो का ये पेज समझ में नहीं आ रहा है, बस ठीक है, मैं जरूर बताऊंगी। अब है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान रहता है 60 kg तथा वह 5.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति में था, दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान है 5.5 kg तथा वह 6.0 मीटर पर सेकेंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ गए, इसका क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, एकदम क्लियर है। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 kg है, ठीक है, तो पहले खिलाड़ी के द्रव्यमान 60 kg है तो हम इसे M1 मानते हैं, ठीक है, और दूसरा खिलाड़ी का द्रव्यमान है 60 kg, और दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान है 55 kg, ये हो गया M2। और तथा वह 6.0 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा है, टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में और किस वेग से गति करेंगे, टकराने के बाद वे दोनों किस डायरेक्शन में और किस वेग से गति करेंगे, ये हमको निकालना है। मान ली कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य, यानी कि कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, वो 0 है, ठीक है, तो हमको निकालना है कि किस दिशा में और किस वेग में वो गति करेंगे दोनों खिलाड़ी जब आपस में टकराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं की ओर दौड़ रहा है ना, बाएं से दाएं दौड़ रहा है, तो परिपाटी के अनुसार हम बाएं से दाएं गति को धनात्मक मान लेंगे। चित्र एक बार देख लेते हैं, बाएं से दाएं को हम धनात्मक मान लेते हैं और बाएं से दाएं को हम ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है, इसी को मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो
बाएं से दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ्ट वाले दिशा को ऋणात्मक मान रहे हैं। तो चित्र में क्या है, M1 तथा U दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं, है ना। एक M1, U1 और M2 और U2, ठीक है। इन भौतिक राशियों पर अधोलिखित संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम और द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। जैसे हम M1, M2 लिखते हैं, MA, MB भी लिख सकते हैं, लेकिन M1 और M2 जो सहज है उसको हम दर्शा सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, M1 60 kg, U1 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पहला खिलाड़ी 60 kg का है, ठीक है, तथा वह 5.0 मीटर सेकेंड के वेग से गति में था। U1 है 5 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरा खिलाड़ी है M2 55 kg का, और उसका वेग है -6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बाएं से दाएं की गति धनात्मक है और दाएं से बाएं की ओर दिशा को ऋणात्मक मानते हैं, मान रहे हैं, है ना। तो उस स्थिति में ये बाएं से दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -6 मीटर पर सेकेंड। अब टक्कर से पहले, टकराने के पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग, ये वही सूत्र है, M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, ये सूत्र पर हम इसको रख रहे हैं। M1 60 kg इंटू प्लस पॉजिटिव प्लस मीटर 5 मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 55 यानी कि M2 इंटू U2, U2 हुआ -6 ms मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 65 यानी कि 300 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 330 -330 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। एक स्टेप बीच में आएगा, 300 मीटर पर सेकेंड प्लस ब्रैकेट -330 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट में हम ब्रैकेट हटाएंगे, -30 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया खिलाड़ियों का कुल संवेग टक्कर से पहले का, कितना हुआ -30 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा है, माना कि दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है, तो टक्कर के पश्चात कुल समय क्या हो जाएगा। अब यहां पर है M1 प्लस M2 इंटू v, है ना। M1 प्लस M2 इंटू v, M1 है 60, M2 है 55 इंटू v, M1 प्लस M2 इंटू v, M1 60, M2 55 kg इंटू वी मीटर पर सेकेंड। फिर दोनों को हम जोड़ दिए, 1115 kg, है ना, दोनों का हो गया 115 kg इंटू वी kg मीटर पर सेकेंड। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पहले तथा बाद के संवेगों की समानता के कारण फिर दोनों को हम बराबर करेंगे, तो 150 V और -30, है ना। पहले कितना था, टक्कर के पहले -30 और टक्कर के बाद 115 V, फिर हमने V को निकाला तो -30/115, और सॉल्व करने पर
जीरो माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड आता है, माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 के वेग से गतिशील होंगे। क्यों? यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह हमें क्या बतला रहा है, यह दाएं से बाएं की ओर गतिशील हो रहा है ना। इसको भी आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा, जहां माइनस का चिन्ह है यानी कि ऋणात्मक है, तो वह दाएं से बाएं की ओर गतिशील हो रहा है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो विपरीत दिशा नहीं दिखलाता। तो ये बाएं दाएं से बाएं की ओर 0.26 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील हो रहा है, ठीक है। बस यही है, दो ऑब्जेक्ट है M1 M2 U1 U2, इसी पर आपका पूरा संवेग संरक्षण का नियम निर्भर करता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैथ्स बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, हमेशा दो ऑब्जेक्ट रहेगा आपको, है ना, दो ऑब्जेक्ट को निकालना है। और इस तरह जब हम एक पहले का निकालते हैं वेग, टकराने के पहले या टकराने के बाद का, गोली छोड़ने के पहले एक, गोली छुट्टे के बाद का एक, कूदने के पहले कूदने के बाद का, तो इस तरह से हम दोनों का संवेग निकालते हैं, पहले और बाद का। फिर देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ये दोनों बराबर होते हैं, तो फिर बराबर करके इन्हें हम दो लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा वेग होता है। और यदि वेग में कहीं ऋणात्मक चिन्ह आता है, इसका मतलब कि वह विपरीत की दिशा में वेग हो रहा है, विपरीत दिशा में गतिशील है, विपरीत दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आ गया होगा आप लोग को समझ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न 1, 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे, उसके आगे फिर बाकी क्वेश्चन हम बतलाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना आप लोग बनाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।